ऑनलाइन ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार। एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फरियादी अजय राजपाल मीणा पुत्र सुरेश चंद्र मीणा निवासी केशव नगर शिवपुर निवासी ने बताया कि ऑनलाइन ई मित्र सेंटर खोलने के नाम से 5,86,000 के अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर ठगी कर ली। ठगी होने के बाद अजय राजपाल मीणा ने कोतवाली में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार द्वारा घटना को गंभीरता से लिया और इस घटना को चुनौती के रूप में भी लिया। एसपी आलोक कुमार ने इस घटना को एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर की निगरानी में साइबर सेल व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर घटना में लिप्त आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने वाले मामले को जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। एडिशनल एसपी के निर्देशन में टीम ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,00,000 नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं 8 कंप्यूटर, 3,30,000 बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों के नाम किशन उर्फ देवी शंकर मीणा उम्र 40 साल निवासी सबलगढ़ जिला मुरैना, वहीं 2 आरोपी राजस्थान के बारा एवं जयपुर के निवासी हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी में इनकी रही अहम भूमिका। कोतवाली निरीक्षक सतीश दुबे, वीरेंद्र परिहार, सुशील तोमर, अजय तोमर, वहीं साइबर सेल टीम के उप निरीक्षक अर्चना धाकड़, विनोद सोलांकी, राज बल्लभ सिंह यादव, प्रियल पाठक की भी अहम भूमिका रही। संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। ये आज 3 आरोपियों को इसमें साइबर जो फ्रॉड था इसमें गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुर को एक फरियादी विजयपाल मिले थे और उन्होंने एक लिखित शिकायत की थी कि उनके साथ एक ऑनलाइन ठगी हुई है जिसमें करीब उनसे 6,00,000 रुपए के आसपास लोगों ने कियोस्क सेंटर खोले जाने के नाम पर ठगा गया है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध करा के साइबर सेल और कोतवाली का स्टाफ, एसडीओपी साहब, इन सबको एसपी सर के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में काम इन्होंने लगातार किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली और इसका लगातार अनुसंधान किया गया। एक बार इनका रिमांड लेना पड़ा, पहले गिरफ्तारी के बाद ये लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, फिर रिमांड के बाद फिर इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और इनसे करीब 1,00,000 रुपये कैश, 3 मोबाइल, 8 कंप्यूटर और 1 मोटरसाइकिल जब्त हुई है और इस मामले का अनुसंधान अभी लगातार जारी है। हो सकता है इसमें कुछ और नई चीज़ें सामने आएँ।